मेरा हम काफी सालों से स्क्वाडिंग 2019। यू आर लिसनिंग टू द पॉडकास्ट तसलीस सीजन 2 अनस्पोकन एग्जाइल। और आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे मिसिंग पर्संस का जो इशू है। स्टे ट्यून्ड। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान क्वेटा से है और यहाँ पे जो काफ़ी सालों से जो सबसे बड़ा इशू चलता आ रहा है वो मिसिंग पर्संस का है। अकॉर्डिंग टू 2019 ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट, मामा कदीर जो कि बलोच रेजिस्टेंस के एक बहुत बड़ा निशान है, ही क्लेम्ड के 47,000 बलोच पीपल वर मिसिंग और अराउंड 35,000 पश्तूनज वर मिसिंग। तो यहाँ पे जो दो मेजर एथनिसिटीज़ हैं वो बलोच और पश्तून हैं और उनकी ही जो इश्यूज़ हैं उनको जो है हमारी गवर्नमेंट ठीक तरीके से एड्रेस नहीं कर पा रही है। तो लोगों में एक चीज़, एक सेंस ऑफ एलियनमेंट आ गई है कि हमारे इश्यूज़ इतने इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं, हमारे लोग हैं जिनको उनकी फैमिली ने 18-18 साल, 13-13 साल, 10-10 साल, 20-20 साल इवन देखा नहीं है और आज तक उनको जो है ना नेशनल टेलीविजन पे कोई रिकग्निशन दी गई, ना नेशनल लेवल पे जो है उसके बारे में बात की जाती है। मीडिया ने इस चीज़ को कंप्लीट ब्लैकआउट किया हुआ है, कम्प्लीटली जो है इस चीज़ को सेंसर कर दिया गया है और जो इस चीज़ के बारे में बात करता है उसको एक तरीके से एंटी स्टेट की नज़र से देखा जाता है। इवन दो ये उनका हक है कि वो अपने प्यारों का पूछें कि हमारे लोग गए तो कहाँ गए, तो ये एक तरीके से हमारे लिए बहुत परेशान कुन बात है कि हमारी हुकूमत इस चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि वो जो हमारे बेसिक इश्यूज़ हैं उस चीज़ को जो है सॉल्व करें। तो ऑब्वियसली लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को यही फील होगा कि हमें जो है वो बाकी मुल्क से जो है पीछे छोड़ा गया है और ये चीज़ जो है जानबूझ के की जा रही है। अच्छा, ये जो आपने अभी साइकोसोशल एस्पेक्ट से जो पॉइंट आपने रेज किया है कि आप लोग, यानी एक सेंस ऑफ आइसोलेशन है, एक सेंस ऑफ अबैंडनमेंट है when it comes to sense of belonging, yani jo aapka ek taluk aap feel karte hain kisi bhi country se, territorial ya waise bhi culturally, to wo ek sense of isolation aap logo ke andar hai. I tried to trace out this history mein, thoda uska historical context dekhna main cha rahi thi ke everyone knows ki yani Balochistan mein enforced disappearances to hain, लेकिन ये सेंस ऑफ आइसोलेशन जो है यानी ये कब स्टार्ट हुआ और इसका यानी क्या हिस्ट्री के अंदर भी बिफोर द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान यानी ये चीज़ एग्जिस्ट करती थी, नहीं करती थी? तो अब थोड़ा सा मैं यानी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो खानेट ऑफ कलाथ जो है, यानी जो ये वाला रीजन जो है बलूचिस्तान का, बिफोर द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान यानी ये एक सेपरेट इंडिपेंडेंट क्या कह सकते हैं टेरिटरी थी और वहाँ पे यानी ये 1666 से लेके 1955 तक ये एग्जिस्ट कर रही थी एज समथिंग इंडिपेंडेंट, या वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे बट देन दे फाइनली गिव इन और वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। तो अब 1666 में जो था ब्रिटिश आ गए, ठीक है, तो फिर बलोची नेशनलिस्ट जो स्ट्रगल थी वो तब से यानी स्टार्ट हो गई फ्रॉम 20th सेंचुरी और ये बलोच मिडिल क्लास फैमिलीज ने 20th सेंचुरी के अंदर ये स्ट्रगल अपनी जो थी ये स्टार्ट की थी और इसी के तहत जो थी अंजुमन बलोचिस्तान बनाई गई थी और आजम जान के बाद जो रूलर थे उस टाइम पे उसके बाद आए थे अहमद यार खान। लेकिन अब अहमद यार खान के दौर में ये हुआ कि कलात स्टेट नेशनलिस्ट पार्टी बन गई और उन्होंने अंजुमन के खिलाफ यानी एक तरह से बगावत कह सकते हैं, यानी उनके अगेंस्ट हो गई जो उनके बेसिक जो फंडामेंटल उनकी जो डिमांड्स थी। और अहमद यार खान जो थे वो अंजुमन के साथ भी अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते थे एंड एट द सेम टाइम वो ब्रिटिशर्स के साथ भी अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाह रहे थे और इसी वजह से अहमद यार खान के बाद जो है कोई इस तरह का बंदा सामने नहीं आया जो कि राइट्स के लिए
बड़ा स्ट्रांगली एडवोकेट करे। अब तो खैर कुछ लोग हैं इस तरह के, जैसे मामा कदीर का आपने जिक्र किया, इसके बारे में हम आगे भी बात करते हैं, लेकिन वो जो एक बलोची नेशनलिस्ट जो स्ट्रगल थी वो फिर उस जोर शोर से नहीं थी। और फिर उसके बाद ये हुआ कि 1856 के अंदर एक ट्रीटी साइन की गई थी ब्रिटिश डेप्यूटेशन के साथ, और इसके तहत ये था कि उस एरिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने आहिस्ता आहिस्ता यानी अपनी इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट कर दी। फिर 1876 के अंदर ये ट्रीटी जो थी ये दोबारा से रिन्यू हुई, और इसी तरह यानी जो कंदहार और अफगानिस्तान का जो एरिया था यानी वहां पे जो आना जाना था ब्रिटिशर्स का वो कलात के जरिए होता था। तो यानी कलात ने उनको यानी ये परमिशन दी हुई थी कि उनके जो व्हाट आई शुड से मर्चेंट्स हैं और जो उनकी आर्मी मिलिट्री वाले थे ब्रिटिशर्स के, तो वो वहां से ट्रूप्स वहां से जा सकती थी। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिशर्स ने जो है कलात वाले एरिया के ऊपर इन अ वे अपनी हकूमत जो थी अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया। और इंस्पाइट के यानी कलात वाले जो थे वो एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट फंक्शन कर रहे थे, लेकिन उसमें फ्लॉ ये था कि वो फिर भी इनडायरेक्टली जो थे अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स थे। और हम यानी अब तक जो हमने अभी थोड़ा बहुत ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट डिस्कस किया है उसमें यही है कि जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं स्पेशली ये जो कलात वाला ये वाला जो रीजन है दे ऑलवेज वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कायद आजम का जो दौर जब स्टार्ट होता है, जब उन्होंने यानी जो मुस्लिम स्टेट के लिए जो एक इंडिपेंडेंस स्ट्रगल थी जब वो उन्होंने स्टार्ट की, तो उस टाइम पे 1927 से लेके 1947 तक यानी ये स्ट्रगल उन्होंने की। और अहमद यार खान ने हमेशा से जो है पाकिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट किया, बट एट द सेम टाइम ही ऑलवेज डिजायर्ड एन इंडिपेंडेंट स्टेट। वो नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ मिले। जब इन लोगों को ये ऑप्शन दी गई कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो अपना फेट डिसाइड कर ले वेदर दे वांट टू एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट और दे वांट टू जॉइन इंडिया और पाकिस्तान, तो वो नहीं चाहते थे कि वो यानी पाकिस्तान को ज्वाइन करे। दे वॉन्टेड टू एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो वहां पे प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज हुआ कि जब ये डिवीजन वगैरह हो रही थी सब उन पूरा जो ज्योग्राफिकल जो टेरिटरी है जब उसकी डिवीजन हो रही थी अंडर द व्हाट आई शुड से कमांड ऑफ लाइक माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, तो वहां पे ये जो 1876 में जो ये ट्रीटी साइन हुई थी तो ये हमारा बन गया था कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट, क्योंकि कोई इस तरह का रूल जो था वो स्पेसिफिकली वहाँ पे रिटन फॉर्म में नहीं मौजूद था कि अब ब्रिटिशर्स जब अपनी पावर ट्रांसफर कर रहे थे तो फिर क्या कौन यानी डिसाइडिंग जो बॉडी थी रूलिंग बॉडी थी वो कौन थी, यानी पाकिस्तान है या इंडिया है, क्योंकि पाकिस्तान की जो वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी जो यानी लाइन्स जो मार्क हुई हुई थी तो कलात अब उसके अंदर आ रहा था, लेकिन ट्रीटी में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं था कि कलात जो है उसको या तो ये अपना उसका इख्तियार है कि वो अपना डिसाइड कर ले फेत या फिर वो पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो डिसाइड करे कि उसको क्या यानी वो इंडिपेंडेंट हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इस तरह ये तब से ये जो टसल है ये तब से यानी स्टार्ट हुई हुई है। और इसी तरह खानेट ऑफ कलात जो थी इट सीज टू एग्जिस्ट ऑन 14th ऑफ अक्टूबर 1955 जब वेस्ट पाकिस्तान जो था वो हमारा प्रोविंस वहां पे एक बाकायदा तौर पे इस्टेब्लिश हो गया। तो अब यहाँ से आप अंदाजा लगा लो ना कि यानी कितना ज्यादा एक तरह का सेंस ऑफ आइसोलेशन तो तब से ही है। बिल्कुल फातिमा, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसके अलावा जो दूसरे रहनुमा थे बलूचिस्तान के जिनमें पश्तून रहनुमा जो थे वो बहुत आगे थे, उनमें काफ़ी बहुत सारे जैसे कि अजीज मक्सी जो थे वो बलूचों के बहुत बड़े जो जर्नलिज्म में जो है उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था लोगों की आवाज़ जो है वो दूसरी जगहों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन जैसे कि समद खान अचकज़ई थे वो भी उनका ताल्लुक भी जो था वो बलूचिस्तान से ही था।
तो एक वक्त के बाद जो है उन्होंने अपनी स्ट्रगल्स जारी रखी है, अपनी स्ट्रगल जो है उन्होंने पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस से पहले जारी रखी है, ताकि जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनकी आवाज़ जो है वो लोगों तक, दूसरे बाकी दुनिया तक तो जो है वो पहुंचाई जाए। लेकिन इवन वो चीज़ भी जो थी वो गवारा नहीं थी लोगों को, तो एक तरीके से उनकी जो कोशिशें थी उनको उनके बीच में ही रोक दिया गया। समद खान को जो है, समद खान अचकजई को काफी साल जो है उनको जेल जो है जाना पड़ा इस चीज के लिए। उनके उनका जो अखबार था इस्तकलाल, वो मतलब बलूचिस्तान में काफी फेमस था, और उनके व्यूज जो थे वो काफी ऐसे व्यूज थे जो कि बलूचिस्तान के लोगों की फीलिंग्स की अक्कासी करते थे। लेकिन उसके बाद जो है वो इस्तकलाल जो है वो एक तरीके से वो डिक्लाइन में चला गया। तो ये हुआ कि लोगों की जो फीलिंग्स थी वो बाहर पहुंच ही नहीं पाती थी। हम तक जो जो बलूचिस्तान के लोगों तक जो न्यूज़ आती थी वो सिर्फ ऐसी न्यूज़ होती थी जिससे उनका कोई कंसर्न नहीं होता था, उनकी ना उसमें बेहतरी होती थी और ना ही कोई उनमें जो है उनके लिए कोई फायदा होता था। तो एक तरीके से ये सेंस ऑफ डिप्राइवेशन जो है कि हमें आज तक ये नहीं दिया गया है, जो महरूमी है इनकी, ये कब से ही जो है डेवलप होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे जो है काफी काफी बलूचिस्तान से काफी अजीम लोग जो है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड हुए हैं, लेकिन उन लोगों की जो अचीवमेंट्स हैं उनको उनको नेशनल लेवल पे उतना नहीं सराहा जाता, उनको जो है इतना इंक्लूड नहीं किया जाता। हमारी यूनिवर्सिटीज का एजुकेशनल सिस्टम जो है, हमने पिछले पिछली बार यही बात की थी कि एजुकेशनल सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, हमारी जॉब्स का सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, हमारी जो लॉ एप्लीकेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो सबसे बड़ा मसला यही है कि जितनी भी यहाँ पे चीजें हैं वो तभी से शुरू हुई है और तभी से जो है इसी पे इस इन चीजों पे जो है अहमियत नहीं दी गई। इसी वजह से आज बलूचिस्तान के लोग जो है वो एक काफी लोग जो है, काफी एक सेपरेटिस्ट जो ग्रुप है वो एक अलग रियासत का जो है वो मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा, इसी इसी डिस्कशन के ऊपर इसको आगे कंटिन्यू करते हुए, फिर 1955 में यानी ये सब कुछ हो गया, उसके बाद फिर यानी एक यानी ये जो सेपरेटिस्ट एक मूवमेंट थी ये तो तब से ही स्टार्ट है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जो फर्स्ट नॉन डिसअपीयरेंस है, इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है, वो है अली असगर बंगुल जई की। ये मैं सही नाम प्रोनाउंस कर रही हूँ? जी जी बिल्कुल। अच्छा, आई थॉट मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है। तो उस नहीं टाइम पे नहीं जो रूल था वो था 1999 से 2008 तक परवेज मुशर्रफ का रूल था, और ये यानी तब हुआ, ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंस तब हुई जब नवाब अकबर बुगती जो थे ही वाज किल्ड, और उसके बाद दिस वाज द फर्स्ट नॉन डिसअपीयरेंस। और तब से लेके अभी तक जो है, अभी यानी रिपोर्टेड जो है वो 47,000 बलोच और 35,000 पश्तून्स मिसिंग है। लेकिन व्हाट आई पर्सनली फील इज दैट कि ये नंबर इससे कहीं गुना ज्यादा है, क्योंकि अगर आप 2001 अनुपमा, से मैं यहाँ पे एक 2000 चीज ऐड करना चाहूंगी कि जो जो आपने अकबर बुगटी की बात की, अकबर बुगटी का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है वो लोगों को ज्यादा, अक्सर लोगों को पता नहीं है। नवाब अकबर बुगटी जो थे वो इंतहाई एजुकेटेड और बहुत बेहतरीन इंसान थे। खुद उनकी फैमिली जो थी वो काफी अच्छी, और एक तरीके से जो वो उनकी पुश्ते जो है वो आ रही थी, तो वो काफी मतलब एक अच्छे खानदान से बिलोंग करते थे। और उसके बाद जो बलूचिस्तान के गवर्नर का जो है उन्होंने रोल उनका ओहदा जो था वो उनको दिया गया था, तो एक ऐसे शख्स को जो एक वक्त में एक पूरे प्रोविंस का जो है इतने इख्तियारात उनके हाथ में हो, और कुछ वक्त बाद जो है उनको एक डेसोलेट प्लेस में जो है रहने के लिए मजबूर किया गया, तो ये कौन सी फोर्सेस है जिन्होंने उनको डिराइव किया, जिन्होंने उनके पीपल को इस चीज पर डिराइव किया कि वो जाएं और वो एक जो बागी हो जाए इस चीज से, वो अपने स्टेट से जो है बागी हो जाए। तो ये फैक्टर्स जो है ये डिटरमिन करना, ये हमारी स्टेट के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हमारी स्टेट जो है इस चीज को कम्प्लीटली ब्लैकआउट करती है, तो वो एक और जो मायूसी है वो फैला रही है।
तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये कंसिडर करें। जैसे कि मैंने ये पहले भी बोला कि बलूचिस्तान ने जो है पाकिस्तान को बहुत सारे टैलेंटेड और अचीव्ड लोग दिए हैं, लेकिन उनकी अचीवमेंट जो है वो नेशनल लेवल पे डिस्कस ही नहीं होती है। सही। और ये नहीं देखे ना, अब ये तब से जो है सप्रेस किया जा रहा है। एक तो पहले ये इतना लंबा टेन्योर था डिक्टेटरशिप का, उसके बाद इवन जब आसिफ जरदारी आ गए व्हेन ही वाज इन पावर, तो उस टाइम पे भी एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस जो थे वो बहुत ज्यादा हो रही थी, और जो बॉडीज थी, जो मिसिंग बॉडीज होती थी, वो जब वापस अपने जो भी उनके लवाहिकीन थे उनको जब मिला करती थी, तो दे इट यूज टू बी लाइक म्यूटिलेटेड। और बहुत दर्दनाक इस तरह के काफी सारे वाकयात हैं। और जो वॉइस ऑफ बलोचिस्तान के जो हैं, व्हाट आई शुड से, ये जो पूरी मूवमेंट है, एनजीओ है, सॉरी मूवमेंट नहीं, इट्स एन एनजीओ, और इसके जो चेयरपर्सन है नसरुल्ला बलोच और मामा कदीर बलोच इसके वाइस चेयरपर्सन है। तो ये नहीं, ये उन्होंने स्टैटिस्टिक्स वगैरह भी सब कुछ बताया है कि 18,000 बलोच जो थे दे आर अनअकाउंटेड, और 2001 से 2013 के ये स्टैटिस्टिक्स हैं, और 2000 बलोचिस्तान की इस तरह के लोग हैं जो के जिनका कत्ल कर दिया गया है ये इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के अंदर ही। और 2014 में एक लॉन्ग मार्च हुआ था रिगार्डिंग दिस इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस, और जिसने सुप्रीम कोर्ट को ये मजबूर कर दिया कि वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर यानी वो प्रेशर डालें कि इसके बारे में यानी कुछ किया जाए, और जो लिस्ट है ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु आर डिसअपीयर्ड और मिसिंग पर्सन की जो लिस्ट है और नाम वगैरह, उसको जो है पब्लिक किया जाए 2015 में। और एक फिर इंटरनेशनल प्रेशर भी बिल्डअप हो गया, फिर 2016 में जो है 1,000 जो डिटेल्स है मिसिंग पर्सन की, 1,000 मिसिंग पर्सन की डिटेल्स जो है वो मंजरे आम पे आ गई, और काफी सारे इसमें से केसेस जो थे अभी भी दे आर नॉट रिजॉल्व्ड। अब आ जाते हैं हम 2020 में, और अभी भी यानी ये सब चीजें जो हैं ये चल रही हैं, इसके ऊपर कोई एंड नहीं है। तो यानी व्हाट डू यू थिंक कि यानी हर गवर्नमेंट आती है, अभी तो खैर इमरान खान की गवर्नमेंट है, पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो नो वन इज डूइंग एनीथिंग ना, तो इसके पीछे यानी आप लोगों के नजर में क्या कॉजेशंस हैं? कॉजेस तो बहुत सारे हैं इस चीज के। एक तो ये है कि जो फेडरल हमारी जो गवर्नमेंट है वो इख्तियारात चाहती है। अब फॉर एग्जांपल अमेरिका जो है वो स्टेट बेस्ड सिस्टम है, हर स्टेट का जो है अपना लॉ है, हर स्टेट के अपने इख्तियारात है, गवर्नर मेयर्स वगैरह उनके पास जो है अपने अपने इख्तियारात होते हैं। फेडरल हुकूमत के पास एक स्टेट को कंट्रोल करने के उतने इख्तियारात नहीं है जितने एक स्टेट के पास खुद अपने इख्तियारात हैं। जब प्रोविंशियल सिस्टम आता है तो सबसे बड़ा मसला ये आता है कि हमारे यहाँ जो है फेडरल रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं और प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं उसी हकूमत में, लेकिन उनके पास इख्तियारात ना होने के बराबर होते हैं, बल्कि वो एक तरीके से जो इंस्टॉल किए जाते हैं उन पोजीशंस पे। तो काफी वक्त से ये सिस्टम चल रहा है कि आइदर वो लोग जो है वो फेडरली सिलेक्टेड हुए होते हैं, या फिर मतलब लोगों ने उनको सिलेक्ट नहीं किया होता है। तो आप यहाँ से जो है अंदाजा लगा ले कि इवन इस हद तक जो है वो लोगों को इतनी सेंस ऑफ डिप्राइवेशन है कि इतनी बड़ी पोस्ट, इतने बड़े ओहदे पर जो मनसिब लोग हैं वो हमारे अपने नहीं है, वो उनको अपना नहीं समझते हैं, क्योंकि अगर वो उनसे गिला करेंगे तो गिला करने का फायदा नहीं है, अगर वो उनसे शिकवा करेंगे तो उस चीज का फायदा नहीं है, क्योंकि आगे जो है कुछ होना ही नहीं है। तो जो सबसे बड़ा कॉज है वो यही है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो मोस्ट ऑफ इनमें से ज्यादातर जो है वो लोगों को ये लगता है कि वो हमारे अपने नहीं हैं, बल्कि वो भी करप्ट ही हैं, वो भी फेडरल हुकूमत की ही रिप्रेजेंटेशन करते हैं और वो लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं करते जिनके यानी ये वोट चीज पे जो अब, है वो सामने हाँ है। यानी ये चीज अब साइकोसोशली अगर हम लोग देखें तो कितना ज्यादा आप लोगों की जो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग व्हेन यू आर बोर्न इन दैट पर्टिकुलर टेरिटरी, ठीक है, द मोमेंट यू आर बोर्न इन दैट पर्टिकुलर टेरिटरी, जो जो आपकी साइकी है उसके अंदर ये चीज एम्बेड हो जाती है, दिस सेंस ऑफ आइसोलेशन, दिस सेंस ऑफ डिटैचमेंट, ये चीज उसके अंदर एम्बेड हो जाती है। और अगर कोई बंदा इस चीज को रेजिस्ट करने की कोशिश भी करे, तो यानी हालात इस तरह के हैं उस पर्टिकुलर रीजन के,
when it comes to resources, when it comes to opportunities, when it comes to the societal structure and culture, तो वो ना चाहते हुए भी उस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं. अब ये आपने जो बात की कि यूएस के अंदर यानी हर स्टेट के पास अपने अपने इख्तियारात हैं, अब यानी मुझे इससे यानी यही चीज़ जो हमने पहले भी डिस्कस की है, जो खानेट ऑफ कलात यानी जो उसके अंदर जो सिस्टम था, इट वाज फंक्शनिंग एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी. तो डू यू थिंक कि यानी ये चीज़ उस चीज़ के साथ लिंक्ड है, दिस व्हाट आई शुड से डिजायर फॉर मोर फ्रीडम? इसकी एक और मिसाल भी मौजूद है जो कि कलकत्ता है. कलकत्ता जो है वो मोस्टली जो है वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है अब भी. वहाँ की जो है मेजोरिटी मुस्लिम है, तो वो चाहते नहीं थे कि उनका जो है इल्हाक हो जाए इंडिया के साथ आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. तो उनको फोर्स किया गया इस चीज पे कि वो अपना डिसीजन दें. इवन आज तक ये कहा जाता है कि कलकत्ता के लोग जो है वो इस चीज़ से खुश नहीं हैं कि उनका जो है उनको फोर्स्ड किया गया है इस चीज़ पे कि वो अपना इल्हाक करें, क्योंकि वो दे वांटेड टू स्टे एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट. एक तरीके से उनके पास इख्तियारात भी ज़्यादा होते, उनके अपने वसाइल भी उन्हीं के ही हाथ में होते. तो बलूचिस्तान का भी सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारे पास गैस है, हमारे पास काफी क्रोमाइट है, हमारे पास काफी दूसरे जो है वसाइल हैं यहाँ पे, एक तरीके से हमारी लैंड काफी रिच है. हम बेशक बलूचिस्तान के लोग बेशक इतनी काश्तकारी नहीं करते जितने कि पंजाब के लोग करते हैं या जितने कि सिंध के लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो वसाइल है वो डिफरेंट वसाइल है. लोगों को सबसे बड़ा जो जो मसला है वो इस चीज से है कि मरी जो एक हिल स्टेशन है वहाँ पे गैस की अवेलेबिलिटी है, लेकिन गैस जहाँ से निकलती है बलूचिस्तान में उसी इलाके में हुकूमत ने कोई सिस्टम सेटअप नहीं किया. ये एक सोचने की, ये इंसान को खुद मजबूर करती है सोचने पे कि हाउ इज दिस इवन पॉसिबल कि मरी जो इस्लामाबाद से इतना दूर है वहाँ पे गैस अवेलेबल है, लेकिन जो खुद जहाँ से गैस निकलती है वहाँ पे गैस अवेलेबल नहीं है. वहाँ पे लोग आज भी जो है लकड़ियों वगैरह पे खाना बनाते हैं. मतलब कुछ लोगों को ये लगता होगा कि बेशक ये व्यू जो है ये आउटडेटेड है और हमें जो है फेडरली देखना चाहिए, लेकिन अगर पाकिस्तान आगे बढ़ना चाहता है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सिर्फ फेडरल हुकूमत को या सिर्फ पंजाब को लेके जो है आगे बढ़ेगा. अगर उनको आगे बढ़ना ही है पाकिस्तान को, तो उनको जो है सब प्रोविंसेस को एक जगह लेके बढ़ना होगा. फातिमा, ये जो सेपरेटिस्ट की हमने बात की, आप एक बहुत बड़ी पाकिस्तान में एक मूवमेंट है पीटीएम जिसका नाम है, हाँ जी, तो वो स्टार्ट हुई थी बहुत सिंपल बात पे स्टार्ट हुई थी कि एक मासूम लड़के को जो है एक पुलिस के बंदे ने जो है एक बिला वजह कत्ल कर दिया बहुत बेदर्दी से. तो पश्तून नौजवानों ने जो है इस्लामाबाद में सिट इन किया. हमारे जो जो मेन अथॉरिटीज़ हैं उनसे जो है कुछ मुतालबे किए गए कि हमारे आप ये मुतालबे पूरे कर दें और हम ये मूवमेंट ख़त्म कर देंगे, बात ही ख़त्म. उस वक्त ना इस मूवमेंट का कोई नाम था ना कोई शेप थी, इनकी बस डिमांड ये थी कि जो कातिल है उसको पकड़ा जाए. लेकिन हमारी हुकूमत इस चीज़ में भी फेल हुई कि वो लोगों को जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर सकती. तो अब एक मेरे जैसा बंदा तो ये अंडरस्टैंड कर सकता है कि मे बी इसमें हमारी जो फेडरल हुकूमत है या हमारी जो स्टेट है उसका कोई फायदा होगा, लेकिन एक आम बंदा ये चीज अंडरस्टैंड करने से वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा कि आया मेरा खून जो है वो इस चीज के बराबर नहीं है कि आप मुझे इंसाफ दें. तो आप मतलब यहाँ से नस्बा आप देखिए कि ये जो हम सुबह से बात कर रहे हैं ना कि ये सेंस ऑफ डिप्रेवेशन, सेंस ऑफ एलियनेशन, सेंस ऑफ ये जो महरूमी है हमारे लोगों की, वो यहाँ से ही स्टार्ट होती है. बहुत सारे पीटीएम के आफ्टर बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं बलोच लोगों में भी, पश्तूनों में भी, हज़ारा में भी, जिनमें जो है जिनकी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं है. इवन दो वो केसेस बहुत ज्यादा सीरियस है. अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक ब्रह्म
बलोच नामी छोटी 3 साल बलोच बची थी, जिनकी माँ को उनके सामने आंखों के सामने कत्ल किया गया था। बच्ची को कुछ दिन बाद होश आया तो शी वॉज क्राइंग एंड आस्किंग फॉर हर मदर। लेकिन अब आप एक 3 साल बच्ची को क्या समझाएंगे कि आपकी माँ कहाँ गई है? तो ये हमारी स्टेट पे बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है और हमारी स्टेट हमें इस चीज से मना करती है कि आप जो है स्टेट पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते, इवन दो ये एज अ शहरी जो है ये हमारा हक होना चाहिए, क्योंकि विदाउट क्रिटिसिज्म देयर इज नो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर हम क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे तो इम्प्रूव कैसे होंगे? तो ये क्रिटिसिज्म वाली जो बात आपने की है ना, और जो हमने अभी ये पहले भी जो हमने ये चीज एक डिस्कस की है, यानी हमने कोशिश की है कि हम जरा इसको डाइसेक्ट करें कि ये सेंस ऑफ आइसोलेशन जो है ये कहाँ से, यानी उसका ओरिजिन क्या है ना। और आपने फिर यूएस का जो उनका जो सिस्टम है उसको आपने डिस्कस किया। सो मैं तब से यही इसी बात पे सोच रही हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट का तो काम ही ये होता है कि वो हर एक टेरिटरी जो भी उसका डिवीजन है उसको साथ लेके चले, तो हम लोग यानी उसके कल्चर को प्रिजर्व करें, उसकी जो यूनिकनेस है उसको प्रिजर्व करें। तो यानी बलूचिस्तान में इफ पीपल वांट फ्रीडम, ठीक है, तो दे वांट टू फंक्शन एज अ सेपरेट स्टेट या एज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट रीजन, तो उन लोगों को वो इख्तियारात क्यों नहीं दिए जाते जिस तरह ब्रिटिशर्स के टाइम में थे? यानी इनडायरेक्टली देवर रूलिंग, लेकिन उनको काफी सारे जो भी उनके मामला थे उसमें काफी ज्यादा इंडिपेंडेंस थी। तो यानी व्हाई डोंट दे मीट ईच अदर हाफ वे? क्यों हमारे जो स्टेट है वो डरती है बलूचिस्तान को वो इख्तियारात देने से? यही चीज जो है हम सब भी पूछ रहे हैं कि वो वजह क्या है जिसकी बेसिस पे जो है हमारा जो बलूचिस्तान है उसको इतना पसमानदा रखा गया है। आप जाके इस्लामाबाद की सड़कें देखें, आप जाके कराची की सड़कें देखें, आप इवन जाके जो पंजाब के जो छोटे छोटे शहर हैं आप जाके देखें, वो इतने डेवलप्ड हैं। मतलब आप हैरान रह जाते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसी सिटीज हैं, और जब आप बलूचिस्तान आते हैं आपको ऐसा लगता है जैसे आप कोई 20वीं सदी में आ गए, आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आपको कोई 100 साल पीछे जो है लेके गए हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सिस्टम जो है वो ख़राब है, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो बहुत ख़राब है, यहाँ पे जो है, और ये जेन्युइन इश्यूज़ हैं, ये ऐसे इश्यूज़ नहीं है जो मैं खुद से बोल रही हूँ, ये ऐसे इश्यूज़ हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि UN, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जैसे कि ह्यूमन राइट्स वॉच है, वो भी इन चीज़ों पर बात करती है। लेकिन सबसे जो कंसर्निंग बात है वो यही है कि हम भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बलूचिस्तान ही क्यों, आखिर बलूचिस्तान के पश्तूनों को, आखिर बलूचिस्तान के बलोचों को क्यों आप जो है एक सौतेली बेटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं? तो अगर अगर इस चीज़ का आंसर पाकिस्तान हमें दे देता है और वो ऐसा आंसर है कि वो जस्टिफाइड होगा, तो मेरे ख्याल में लोग भी फिर उस चीज़ को जो है खुद इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें एक तरीके से स्टेट की तरफ से कोई जवाब मिला ही नहीं है कि फोर्स डिसअपीयरेंसेस क्यों हैं। अच्छा, ये फोर्स डिसअपीयरेंस जब स्टार्ट हुई थी तो तब जो थी एक आर्म्ड रिबेलियन यहाँ पर स्टार्ट थी, सिविल वॉर स्टार्ट थी, और जो सबसे बड़ी यहाँ पे जो गोरिल्ला फोर्स थी जो कि बलूचिस्तान के जो पहाड़ों में थी वहाँ पे होती थी, उसका नाम BLA था, बलोच लिबरेशन आर्मी। तो रेजिस्टेंस जो स्टार्ट हुई थी वो क्यों स्टार्ट हुई? अगर BLA बनी तो क्यों बनी? लोग क्यों इस चीज़ पे मजबूर हुए कि वो हथियार उठाएं और वो जो है अपने घर को छोड़ें और एक एक पहाड़ में रहना शुरू कर दें? आखिर में इवन जब नवाब अकबर बुख्ती के लास्ट कुछ वक्त था उनकी जिंदगी का, तो इवन उन्होंने जो है अपनी जो उनकी यूजुअल रेजिडेंस थी, जो उनका आबाई घर था, उन्होंने वो छोड़ के जो है वो डेरा बुख्ती के किसी अननोन प्लेस में जो है वो शिफ्ट हो गए थे, और वहाँ पे वो अपने गार्ड्स के साथ रहते थे और बहुत कम उनकी पब्लिक अपीयरेंस होती थी। तो ये इतनी सीक्रेसी जो रखी जा रही है हमारे लोगों की, हमारे लीडर्स की वजह से, हमारे ऐसे लीडर्स की वजह से जो स्टेट पर क्रिटिसिज्म करने की हिम्मत रखते हैं, इसकी वजह क्या है? ये हम भी जानना चाहेंगे, जितना आप जानना चाहते हैं, जितना हम जानना चाहते हैं।
जितना बाकी दुनिया जानना चाहती है, सभी हम ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान की स्टेट आखिर ऐसा कर क्यों रही है। अच्छा, आज मैंने यही आपने जो बात की कि ऐसे जैसे कोई आप उनकी कोई सौतेली बेटी वाला जो सलूक है, तो यानी ये जो इसके ऊपर मैंने आज एक आर्टिकल भी पढ़ा है, मैं उसको पर्टिकुलरली मैं उसको डिस्क्रिप्शन में जो है मेंशन भी कर दूंगी और मैं इसको ही कोट करती हूँ। इट वॉज पब्लिश्ड ऑन 10th of June 2020। तो इसमें उन्होंने यही कहा है कि बलूचिस्तान ने 5 नए केसेस जो है वो एनफोर्स डिसअपीयरेंस के रजिस्टर किए हैं इन 2 डेज। और आजकल आप देखें कि यानी इतना वो कोरोना वायरस COVID-19 का जो इतना ज्यादा ये इशू चल रहा है, इवन वो भी इस इशू को स्लो डाउन करने में यानी इट्स नॉट प्लेइंग एनी रोल। अब ये एक स्टूडेंट है क्योंकि हमारे रियल लाइफ इश्यूज ही यही है। अगर अगर हम ऐसी डेवलप्ड सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत जबरदस्त होता, हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत जबरदस्त होती, हमारा जो जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत जबरदस्त होता, हमें सब कुछ अवेलेबल होता, हमारे पास जॉब्स होती, हमारे नौजवान जो ग्रेजुएट्स हैं उनके पास जॉब्स होती है फॉरेन ग्रेजुएशन के बाद, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर लोग इन चीज़ों के बारे में सोचते। लेकिन अभी अभी लोगों के घरों में जो है मर्द नहीं है। आपने आपने एक वो वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पे। अब मैं सोशल मीडिया का हवाला इस वजह से दे रही हूँ क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो है उसको कम्प्लीटली ब्लॉक किया हुआ है, वो उस चीज़ को जो है कभी कभी भी जो है वो बात नहीं करती उसके बारे में। तो ट्विटर पे जो एक वीडियो आई हुई थी, हसीबा बलोच नामी एक लड़की थी, उन्होंने बोला कि कुछ सालों पहले मेरे जो बड़े भाई थे उनको गायब किया गया, कुछ साल बाद जो है उनकी हमें लाश मिली, उसके बाद मेरे 2 भाइयों को गायब कर दिया गया और अभी तक हमें उनका कुछ नहीं पता। वो जो लड़की जिस अंदाज से रो रही थी और जिस तरीके से आपको पता चल रहा था कि वो वाकई में हर्ट है, एक तरीके से वो अपने दिल का जो गुस्सा था वो गुबार था वो इसी रोने में निकाल रही थी, क्योंकि वो इतना बेबस फील करते हैं कि हमारी बात ना कोई सुनता है और हमारे रियल इश्यूज यहाँ पे ये हैं और हमारे सियासतदान जो है वो पैटी पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं कि फलाने की टांग खींच लो, फलाने का ये कर लो, फलाने को जो है आप नाम दे दो, मजाक उड़ा लो, आज बनी वाला में ये था आज। हाँ, जो मुझे अब तक यानी जो मैं समझ सकी हूँ वो ये है कि बलोच जो लोग हैं वो दे आर वेरी, बलोचिस्तान के लोग जिसमें पश्तून और बलोची दोनों शामिल हैं और बाकी एथनिक माइनॉरिटीज़ भी शामिल हैं, यानी वो बड़ी रेजिलिएंट है। और अब जो लोग यानी इस इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के पीछे हैं, अब हमें यानी जो लोग भी हैं रिगार्डलेस ऑफ इट है एस्टेब्लिशमेंट है कोई भी है, तो वो लोग यानी उनका जो कल्चर है उसको हथियार बनाते हुए आप लोगों की जो रेजिलियंस है उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली एक अटैक कर रहे हैं। यानी उधर ये कल्चर है कि औरतें जो हैं, इट्स अ पेट्रियार्कल सोसाइटी ना, इट्स अ वेरी हाँ पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मर्द गुजारा नहीं है, मर्द नहीं है तो एक औरत सोसाइटी में मूव नहीं कर सकती कुछ, यानी तो इस वजह से यानी मर्द जो है घरों से जो मर्द है जो सरबराह है उनको दे गो मिसिंग और फिर पीछे रह जाती हैं खवातीन और उनकी इस तरह की कभी कंडीशनिंग ही नहीं हुई होती उनके अंदर, वो शायद कॉन्फिडेंस या उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है जिसको यूटिलाइज करते हुए वो भी फ्रंट लाइन के ऊपर आए। तो इस तरह आहिस्ता 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 यानी इट्स अ स्लो डेथ ना, आहिस्ता 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 उनको यानी खत्म, इनकी आवाज को बिल्कुल सप्रेस किया जा रहा है टू द एक्सटेंट के कोई भी उनको ना सुन सके। जो वो आर्टिकल था वो मुझे ये आई गॉट कंफ्यूज्ड और ये वाला आर्टिकल है, दिस इज द लेटेस्ट आर्टिकल 21st June 2020 को ये पब्लिश हुआ है और इसकी मैं हेडलाइन जो इसकी ये टाइटल है ये मैं पढ़ रही हूँ। Enforced disappearance policy is becoming a stimulus to declare Pakistan as a terrorist state. और ये बलोच लीडर ने ही बोला है।
चेयरमैन बलोच नेशनल मूवमेंट के खलील बलोच ने ये हाईलाइट किया है, और ये हाईलाइट उन्होंने जब जाकिर मजीद का जब केस वो हाईलाइट कर रहे थे, जो कि एक स्टूडेंट लीडर थे हु इज इन द पाकिस्तानी टॉर्चर सेल सिंस द लास्ट 11 इयर्स एंड सेड द पॉलिसी ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस इज बिकमिंग अ स्टिम्युलस टू डिक्लेयर पाकिस्तान अ टेररिस्ट स्टेट एट इंटरनेशनल लेवल. यानी ये उस चीज को इशू को हाईलाइट करते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है. तो डू यू थिंक के अब हालात यानी इतने खराब हो चुके हैं, ये सिचुएशन जो है इतनी एक तरह की क्रोनिक जिस तरह इलनेस होती है उस तरह डिजीज बन गई है कि अब जो है यानी ये डिफेक्ट इतना ज्यादा पेनिट्रेट कर चुका है कि अब जो पाकिस्तान वाले हैं और द पीपल हु आर सेंसिटाइज्ड इनफ रिगार्डिंग दिस इशू वो भी अब इस चीज के बारे में बोलना उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि there is a risk ke pakistan ko international level pe as a terrorist state declare kar diya jayega. Do you think bilkul fatima abhi even though mera nahi khayal ki ye jo aap podcast jis topic pe aap jo hai aap kar rahi hain ya jis topic pe main aapke sath baat kar rahi hu wo log karenge. Even ऐसे लोग हैं जिनके अपने घरों में से लोग डिसअपीयर हुए हैं और वो इस चीज़ से बहुत हेजिटेट करते हैं कि वो जो है पब्लिकली अपना नाम जाहिर करें या अपनी आवाज़ जो है लोगों तक पहुंचाएं. तो फियर है, ठीक है, एक चीज़ वो है, और इतना इस चीज़ को जो है हम बार बार रिपीट कर चुके हैं कि यार इधर ये हो रहा है, इधर ये हो रहा है, आप लोग इस तरफ भी जो है देखो. कि अब जो है हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि क्योंकि वो इतनी इन्वॉल्व है दूसरी चीज़ों में, दूसरे करप्शन वगैरह में, कि जो मेन इश्यूज है यहाँ के वो इन चीज़ों पर एड्रेस ही नहीं कर पा रही है. तो वाकई में ये चीज़ जो उनकी बात है कि मे बी एज एज ए दहशतगर्द रियासत जो है इसको लिया जाए या इनको डिक्लेयर किया जाए, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान भी जो है अपना इंटरनेशनल इमेज मेंटेन करना चाहता है, क्योंकि डिप्लोमेसी जो हमारे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात है दूसरी कंट्री से, जैसे कि अमेरिका हो गया या यूएन का जो है पाकिस्तान मेंबर है. और आपको मतलब ये तो हम सबको पता है कि यूएन के जो एसडीजीज हैं उनमें से तकरीबन 13 के 12वां नंबर जो एसडीजी है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनमें से पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस है. तो अब फॉर एग्जांपल अगर ये बात जो है इतने बड़े हॉल्स तक पहुंचती है कि वहां पे जो है दुनिया भर के लीडर्स होते हैं, तो पाकिस्तान की जो है मेरे नहीं ख्याल के उसके बाद कोई इज्जत रह जाएगी. इवन अभी भी जो है काफी लोग इस चीज की कंप्लेंट करते हैं कि अगर आप इंटरनेशनली कहीं जाएं और आपका ताल्लुक पाकिस्तान से, तो लोग जो है आपसे दूर दूर अपना डिस्टेंस रखना पसंद करते हैं. तो ऑब्वियसली ये चीज बहुत ज्यादा है, फेडरल हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी जो स्टेट है, वो भी इसी चीज से जो है रिफ्रेन कर रही होगी कि हमें जो है लेबल ना किया जाए एज अ दहशतगर्द स्टेट या एज अ टेररिस्ट स्टेट. अगर अब हम लोग अपने इस डिस्कशन को थोड़ा कंक्लूड करते हैं, अब अगर हम लोग गिलगित बल्तिस्तान को देखें और कश्मीर को देखें, आजाद कश्मीर को देखें, सो दे आर फंक्शनिंग एज टू autonomous territories. तो यानी how different it is, अगर क्योंकि गिलगित वाले भी अक्सर I have come across certain people who say कि गिलगित वालों को भी उनके rights नहीं मिलते, तो वो तो क्योंकि एक autonomous state है तो फिर उनको तो उनके rights मिलने चाहिए. तो दोनों में अगर हम comparison एक draw करने की कोशिश करें between गिलगित बल्तिस्तान and बलूचिस्तान, तो यानी कहाँ पे उनकी कंडीशन आप लोगों से बेहतर है और कहाँ पे आप लोग एक ही यानी पॉइंट पे यू स्टैंड ऑन द सेम पॉइंट, ना सेम लेवल पे आप लोग स्टैंड कर रहे हैं. तो अगर हम इसका कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हाउ इज इट लाइक फातिमा, बेसिकली जो गिलगित बल्तिस्तान के अक्सर औकात जो लोग होते हैं उनका मजहब जो है थोड़ा वो डिफरेंट है. उस चीज़ की बेसिस पे जो है इनको बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ता है. अब जैसे कि लाहौर पंजाब में जो कादियानी जो लोग रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज का सामना है, इसी वजह से जो है वो पाकिस्तान से फरार होकर बाहर कंट्रीज में असाइलम ले रहे हैं.
गिलगित बल्तिस्तान में सबसे पहले तो क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का तो आपको अच्छे से जो लैंडस्केप है आपको पता है, क्योंकि उनका लैंडस्केप जो है वो वहाँ पे भी जो है पहाड़ हैं, वहाँ पे भी जो है काफी सख्त हालात हैं। तो एक खातून जिनसे मैं मिली थी जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम क्वेटा इस वजह से शिफ्ट हुए क्योंकि यहाँ पे हालात जो थे क्वेटा में मैं दूसरे इलाकों की बात नहीं कर रही हूँ जैसे कि पंजगुर तुर्बत या पश्तूनों के बल्कि इलाकों के, तो उन्होंने कहा कि हम क्वेटा इस वजह से शिफ्ट हुए हैं क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में जो है हमारा गाँव है और मेरे अबू जो है वो 70 साल के हैं, उनकी उम्र जो है 70 साल है, वो काफी ज़हीफ है, लेकिन इस उम्र में भी वो कोई 2 किलोमीटर के फासले पे जो नहर है वहां जाके अपने वजू के लिए पानी लाते हैं घर तक। तो आप ये चीज 21st सेंचुरी में बहुत इनकंसीवेबल है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया की दौड़ में शामिल है, तरक्की तरक्की करने की तरफ जो है वो पाकिस्तान चाहती है कि हम तरक्की करें, लेकिन आपकी आपकी इतनी बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है, आपके आपका इतना बड़ा एक प्रोविंस है और आप जो है उसको एक तरीके से लीगल स्टेटस दे ही नहीं रहे हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वहाँ पे जो है कोई पानी, इवन पानी का सिस्टम नहीं है, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल, हाउ डज दैट इवन वर्क फॉर पाकिस्तान। तो मे बी कुछ इलाकों के हालात वहाँ अच्छे हो, कुछ इलाकों के हालात यहाँ पे अच्छे हैं, लेकिन हालत ज्यादा या कम कर जो है वो एक बराबर ही है, और कंपैरिजन में आप कंट्रास्ट में देखें दोनों को तो वहाँ के लोग भी उतना ही लेफ्ट आउट फील करते हैं जितना बलूचिस्तान के लोग लेफ्ट आउट फील करते हैं। लेकिन बात ये है कि हमारे जो इश्यूज है ना वो बेसिकली ऐसे इश्यूज हैं कि यहाँ पे लोग मर रहे हैं। किस लिए मर रहे हैं इसी का नहीं पता, अपने बेसिक राइट्स मांगने के लिए मर रहे हैं या अपने बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके लिए मर रहे हैं। तो ये चीज काफी तो हम कंफ्यूजिंग यानी है, अगर इसी वजह से बलूचिस्तान के इश्यूज को जो है वो थोड़ा ज्यादा सरफेस पे लाया गया है इंटरनेशनली। ऊपर से सोशल मीडिया ने भी इस चीज में काफी इजाफा किया है उनकी आवाज सामने लाने के लिए। गिलगित बल्तिस्तान के एक तो लोग जो है वो इतने एजुकेटेड नहीं होंगे और दूसरा ये है कि क्योंकि वहां पे भी जो है इंटरनेट का प्रॉब्लम है, वहां पे भी सेम इश्यूज हैं जैसे कि बलूचिस्तान में है, तो इसी वजह से जो उनकी आवाज अभी तक इतनी सामने नहीं आई है जितनी बलूचिस्तान की। अच्छा, अगर हम लोग गिलगित की अगर हम लोग बात करें और अगर हम वो कंपैरिजन अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो व्हाट आई पर्सनली फील इज दैट, यानी जितने कम एटलीस्ट जितने लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है हु बिलोंग टू द गिलगित रीजन, सो दे आर फेयरली एजुकेटेड। तो मैं थोड़ा सा इस पॉइंट से डिसएग्री करती हूँ। और रही बात यानी जो आपने रिलीजियस मिसबा सॉरी फातिमा, मैं जो ये बात कह रही हूँ, मैंने स्टार्ट में बोला कि मैं इतने लोगों से नहीं मिली हूँ जिनका ताल्लुक गिलगित हाँ बलूचिस्तान से है, क्योंकि मैंने बेसिकली अपनी सारी जिंदगी जो है वो बलूचिस्तान में गुजारी है, इसी सही वजह से सही जो है मुझे इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है केपीके जो है वो ज्यादा नजदीक है बनिस्बत एग्जैक्टली बलूचिस्तान के गिलगित, तो इसी वजह से आपका एक्सपोजर तुम ज्यादा होगा। हाँ तो मैं उसके मैं एक यानी एक वैसे हाइपोथेसिस अगर मैं ड्रॉ दूं प्रेजेंट करूं तो वो ये है कि गिलगित वाले जो एरिया है दे आर कल्चरली वेरी स्ट्रांग, बलूचिस्तान वाले भी नो डाउट दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग, हर दोनों प्रोविंसेस के जो दोनों जो टेरिटरीज हैं उनके कल्चर्स दे आर वेरी डिस्टिंक्ट, बहुत यूनिक है और बहुत स्ट्रांग है। लेकिन वहां से जो है इनकी यानी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है दैट इज इन गिलगित रीजन, या जो हमारे नॉर्दर्न जो एरियाज हैं, तो वहां से एक जो स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है वो एक जनरेट हो रही है, उससे जो है हमारे मुल्क को फायदा हो रहा है। तो मे बी इस वजह से भी शायद गिलगित वाले इतने इश्यू शायद फेस नहीं कर रहे जितना बलूचिस्तान वाले कर रहे हैं, इज इट करेक्ट? और भाई बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है दैट्स ऑल्सो एडजेसेंट टू ईरान, और फिर अफगानिस्तान में भी कुछ थोड़ा सा एरिया है, यानी अगर हम पूरा उस टेरिटरी को देखें तो ये जो पूरा एक खत्ता है ये 3 कंट्रीज में डिवाइड हुआ हुआ है। तो डू यू थिंक दैट दीज कैन ऑल्सो बी द रीजन के बलोचिस्तान वाले ज्यादा जो है मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? बिल्कुल ऑब्वियसली, जहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल होती है, जहाँ पे बॉर्डर होता है, वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे इश्यूज जो है वो सामने आते हैं।
दूसरी कंट्रीज भी पाकिस्तान में इंटरफेयर कर रहे हैं, पाकिस्तान की स्टेट भी जो है वो इंटरफेयर करती है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं। तो बहुत यहाँ मतलब आप जब ऑन ग्राउंड बलूचिस्तान में आएंगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं कि आपको जो है ये चीज़ें सुनने में मिलेंगी कि हमें जो है हमारा जो तारीखी बैकग्राउंड था वो पहले हम बलोच ये कहते हैं कि हमारा जो कोस्टल इलाका है वो पहले ईरान के साथ मिक्स था। इवन आपको ये भी पता होगा कि जो सिस्तान है यानी जो उनका बलूचिस्तान है, ईरान का बलूचिस्तान है जी, उनका उनके और जो यहाँ के बलूचिस्तान है उनकी तकरीबन जबान सेम है, उनके कस्टम सेम है, उनका वो जो है एक दूसरे को एज ए भाई भाई लेते हैं। तो और ऊपर से यहाँ के जो पश्तून है वो अफगानिस्तान के साथ बहुत इमोशनली मेंटली और फिजिकली अटैच है, इन प्रेजेंस है उनकी, तो ये चीज बहुत मैटर करती है। अब और जो सिस्तान वाले जो हैं, ये मैं आपकी सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, ईरान में जो बलोच है वो यानी एज अ माइनॉरिटी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और उन्हें ईरान में इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है क्योंकि जहाँ पे आप माइनॉरिटी में हैं वहाँ पे देर इज ऑलवेज अ रिस्क, यानी मेजॉरिटी जो वहाँ पे लोग होते हैं उनको एक रिस्क होता है, दे फील थ्रेटन्ड, और ये यानी एक साइकोलॉजिकल बात है और ये हर जगह पे है, ये टर्की में भी है जहाँ जहाँ पे माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, यानी देर आर लाइक सो मेनी एग्जांपल्स, तो वहाँ पे वो लोग इतना ज्यादा रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, इतना अपोजिशन फेस कर रहे हैं, तो फिर ये हमारे जो बलूचिस्तान वाले हैं तो वो वहाँ पे उस कम्युनिटी के साथ दे आर वेरी मच एम्पेथेटिक। और फिर यानी ये एक बात की जाती है कि ईरान की इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, तो इसके ऊपर यानी आपने कहा ना कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट है, तो यानी ये तो बात काफी लोग कहते हैं, तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा आप बताएं कि इज इट ट्रू या इसके पीछे यानी ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है वो क्या है। फातिमा, हम तो जरूर स्पेकुलेट ही कर सकते हैं क्योंकि लेकिन काफी बार ऐसा हुआ है कि हुकूमत जो है हमारी जो पाकिस्तान की हुकूमत है, अगर कोई धमाका वगैरह होता है तो वो जो है काबुल को जो है उस पे मुरूद इल्जाम ठहराते हैं कि ये आपकी तरफ से हुआ है, अगर इंडिया में कोई टेररिज्म का एक्ट होता है तो वो पाकिस्तान पे जो है ब्लेम डालते हैं, अगर पाकिस्तान में होता है तो वो इंडिया पे ब्लेम डालते हैं। तो और बॉर्डर्स पे आप देखते हैं कि रोजाना जो है बॉर्डर्स का इश्यू होता है। एक और इशू जो यहाँ पे मैं रेज करना चाहूंगी वो ये है कि जो करंट जो कोविड पेंडेमिक इस वक्त चल रही है दुनिया में, पाकिस्तान ने अपनी बॉर्डर्स बंद की, उसमें जो बॉर्डर थी वो ईरान से भी बंद की, अफगानिस्तान से भी बंद की, और कश्मीर की बॉर्डर जितनी वो भी बंद करवाई, लेकिन इस वक्त वापस कश्मीर की बॉर्डर जो है वो ओपन हो चुकी है, लेकिन अफगानिस्तान की और ईरान की बॉर्डर जो है यहाँ पे बंद है। काफी लोग हैं जिनके रिश्तेदार जो है वो दूसरी साइड फंसे हुए हैं काफी महीनों से, और हुकूमत जो है इसके बारे में कुछ कर नहीं रही है, तो ये हमारा बहुत बड़ा इशू है जो मैं आपकी जो मैं लाना चाह रही थी। और इन्वॉल्वमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है तो बहुत सारे ऐसे वाकयात में जैसे प्रूव होता है कि बिल्कुल पाकिस्तान की भी जो है दूसरी कंट्रीज में इन्वॉल्वमेंट है और दूसरी कंट्रीज की पाकिस्तान में भी इक्वली इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि दोनों नहीं, के ये तो जो है पावर स्टेट स्ट्रगल है ना, बेनिफिट्स आ गए थे। यानी ये तो बिल्कुल जैसे हम सऊदी अरब इंटरेस्ट के, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनके। जी जी जैसे बिल्कुल, फॉर एग्जांपल अब अगर हम लोग यानी इसको जरा न्यूट्रल अंदाज काफी में अगर वक्त हम तक लोग जो है इसको, ये इल्जाम था, काफी वक्त तक जो है बीएलए पे ये इल्जाम था कि उनकी फंडिंग जो है वो इंडिया करती है, इसी वजह से जो है पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा इंडिया के साथ कि आप जो है हमारा इलाका जो है हमसे सेपरेट करवाना तो चाहते इज हैं इट ट्रू और एट द सेम नॉट? टाइम। इस चीज के बारे में तो सिर्फ हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, मुझे ऐसा कोई पता नहीं है इस चीज का, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा इस चीज को कहा गया है कि उनकी फंडिंग इस चीज से आती है। बेशक बलोच रहनुमा जो इस चीज को इस चीज की बहुत तरदीद करते हैं कि नहीं हमारी फंडिंग जो थी वो इंडिया या ईरान से नहीं आ रही थी, तो दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट दिस।
हाँ यानी देखे ना, अब देर इज यानी 1/2 प्रोबेबिलिटी, 50-50 बात है. बिल्कुल बिल्कुल सम पीपल विल से कि हाँ जी फंडिंग होती है, कुछ लोग कहेंगे कि फंडिंग नहीं होती. लेकिन हम जो हमारी जो डिस्कशन है, हमारा मकसद ये है कि हम एक न्यूट्रल अंदाज में इस इशू को डिस्कस करें. तो अब ये बिल्कुल जो बिल्कुल फंडिंग वाला जो इशू है, ये सिर्फ यानी हमारे कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करता, ये ग्लोबली एग्जिस्ट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल अब सऊदी अरेबिया है और ईरान है, तो वो लोग शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को फंड कर रहे हैं ये मिडिल ईस्ट के अंदर. और बेसिकली ये इनकी आपस में कोल्ड वॉर एक तरह की चल रही है, और ये किसी और कंट्री के अंदर, सॉरी कोल्ड वॉर नहीं, प्रॉक्सी वॉर जिसको हम कहते हैं, वो चल रही जी है. और इसके अंदर बेचारे जो सिविलियंस होते हैं, जो यमन के हैं, सीरिया के हैं, एक्सेट्रा, तो मिडिल के, तो वो फिर बेचारे फातिमा, मारे जाते हैं. ये जो सिविलियंस की आपने बात की है कि ऐसी प्रॉक्सी वॉर्स में जो है मोस्टली सिविलियंस का ही नुकसान होता है, तो इसके लिए जो है पॉलिटिशियंस एक टर्म यूज करते हैं, कोलेटरल डैमेज, कि मतलब हम जो है अपनी सियासत करते रहेंगे लोगों की डेड बॉडीज पे और लोगों को कभी जस्टिस नहीं मिलेगा. अगर इसी हाँ जहनीत के साथ जो है दुनिया आगे बढ़ती रही, तो मेरा नहीं ख्याल कि वी विल अचीव पीस इन एनी टाइम सून. और हमारी जो आने वाली जनरेशन है, मुझे नहीं लगता है कि वो उस दुनिया में भी इवन रह पाएंगे जिसमें मैं और आप आज रह रहे हैं. अब देखिए, रोजाना दुनिया कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज है, नए कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, नए रेजोल्यूशंस हैं, नई बातें हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आ रही हैं जो पहले छुपी हुई थी. सोशल मीडिया आ गया है, तो अब दुनिया उस चीज को हैंडल कैसे करेगी? आइदर वो अपनी ऑफेंसिव, जो एक तरीके से जो उनका डिफेंसिव जो बिहेवियर है वो उसको कंटिन्यू रखेगी, या आइदर वो उन चेंजेस को एक्सेप्ट करेगी और वो जो है उन लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करेगी. ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है. हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आया वो दुनिया से पीछे ही रहना चाहते हैं, या वो दुनिया की रेस में जो है लगना चाहते हैं और पीस अचीव करना चाहते हैं. थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया और इन डेप्थ आपने इस इशू को हमारे साथ डिस्कस किया इन द मोस्ट न्यूट्रल वे, क्योंकि यू आर अ बलोच रेजिडेंट और बलोचिस्तान के आप रेजिडेंट हैं. यू हैव विटनेस दीज एट्रोसिटीज और आपने आप उस सेटअप का हिस्सा हैं, और उस सेटअप का हिस्सा रहते हुए वो जुल्म बर्दाश्त करते हुए न्यूट्रल अंदाज में इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करना, इट वाजंट इजी फॉर यू, और इस चीज़ को मैं बिल्कुल एक्नॉलेज करती हूँ. लेकिन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द एफर्ट दैट यू हैव पुट इन, और उम्मीद करते हैं कि अगले 2 या 3 डेकेड्स के अंदर शायद ये मसला जो है ये हल हो जाए. आई होप सो दीज थिंग्स चेंज. आई होप सो कि यहाँ पे एजुकेशन, हमारे बच्चों को जो है वो क्वालिटी एजुकेशन मिले, हमारे जब वो यूनिवर्सिटी जाए तो उनको जो है बुरा फील ना हो कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो इतनी लेफ्ट आउट है कि हम इवन ऑनलाइन क्लासेस तक नहीं कंडक्ट करवा सकते स्टूडेंट्स के साथ. तो आई होप कि ये सब फैक्टर जो है वो खत्म हो जाए और हमारी गवर्नमेंट जो है वो बेटर फोकस्ड ऑन प्रोग्रेस रादर देन करप्शन, या रादर देन दूसरी चीजों के. तो आई होप कि ये सब हो और हमारे जो फ्यूचर है वो अच्छा हो. अब पास्ट में जो हुआ वो हुआ, हम उस चीज को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन व्हाट वी कैन कंट्रोल इज आवर फ्यूचर.